जोधपुर में जारी G20 रोजगार समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले दिन G20 बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक का जोधपुर में होना सौभाग्य की बात है। But it could not compromise the culture and the colors and the zeal of the people of Jodhpur. Each and every drop of water is being conserved here in this entire region of Marwar, which comes out of rain. And that preserved water is being used so judiciously. We understand the value of each and every drop of water. At this palace, when the drought rate, I mean the drought was observed in the fourth decade of this last 19th century. That the then king of Jodhpur, Maharaja of Jodhpur, Maharaja of Meghna Singh Ji, he has decided to provide famine relief and to provide the employment to the people of Jodhpur. He decided to construct this palace, and this palace come up as a beautiful building which is known worldwide. I once again welcome you all in my this city, and I hope in next 2 days you people will enjoy the hospitality, not only the hospitality of Jodhpur. As you have observed the culture of Jodhpur, you are going to observe the warmth of the people of Jodhpur when you will roam around in the city. Entire city of Jodhpur welcomes you. I, on behalf of myself, being the representative of this area in the parliament, I, on behalf of the स्पीकर ऑफ जोधपुर, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता के सामंजस्य के लिए रणनीतियों की खोज और सामान्य कौशल वरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करने पर ध्यान देने के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कौशल की कमी को दूर करने के साधनों पर विचार विमर्श किया गया। वैश्य बनाने की आवश्यकता, उसे सामंजस्यपूर्ण और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जो राजस्थान की परंपरागत जो बाजरे का उपयोग है और बाजरे की जो खेती है और बाजरे को किस प्रकार से अलग अलग व्यंजनों में परिवर्तित किया जाता है, उसके लिए पूरा मिलेट विलेज जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया और वो देखकर उसको काफी अभिभूत थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 जो है वो ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो वो एक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था और जो मोटे अनाज को बढ़ावा देने की चली है तो उस दिशा में ये एक बड़ा कदम था। उसके साथ साथ राजस्थान के बारे में आप जैसे कहते हैं, जैसा ये कहा जाता है कि मेरा रंग रंगीलो राजस्थान, तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत छटा यहाँ देखने को मिली। यहाँ जो अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य हैं, चाहे चरी नृत्य हो, चाहे गैर नृत्य हो, चाहे कालबेलिया नृत्य हो, वो सबका एक बहुत अच्छा मिश्रण जो है कल डेलीगेट्स के लिए यहाँ पेश किया गया। और राजस्थान की जो लोक कला है, जो संस्कृति है, वो अपने आप में उसकी जो अनुभूति थी वो देखने योग्य थी। जहां तक जो आज कल जो दिन में बैठक हुई वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता आया है। जो कॉन्सेप्ट है वन अर्थ वन फैमिली का, जो ये पूरा यहाँ पर एंड वन फ्यूचर, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कल पूरी की जो पहली बैठक है उसमें साफ दिखाई देता है। क्योंकि कल जो बैठक थी उसमें मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 3 मुख्य बातें हैं। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उनके अंदर जो कौशल श्रमिक है, मान लीजिए आप एक उदाहरण के लिए लीजिए, जो विकसित देश हैं उनके अंदर कौशल श्रमिक जो हैं, हो सकता है कि उनकी जो आप जानते हैं कि उनकी आयु अधिक हो, और जो विकासशील देश हैं वहां जो श्रमिक हैं उनकी आयु कम हो लेकिन स्किल का लेवल जो है डाउन हो, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कैसे समन्वय स्थापित हो, एक बात तो ये है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी पूरे G20 कंट्रीज के बीच में जो भी कामगार हैं उनके लिए तैयार हो। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि कहीं एक जो श्रमिक है उसकी एक ग्रेडिंग की गई कि ये ग्रेड 1 है, तो वो ग्रेड 1 का जो पैरामीटर्स है वो पूरे G20 कंट्रीज में एक जैसा हो, ताकि उसे कहीं किसी दूसरे देश में जाके काम करना पड़े तो वो उसके लिए काफी आसान हो जाए। तो ये उस थ्योरी को कि भारत जो सोचता आया है हमेशा या भारत जो मानता आया है वसुधैव कुटुंबकम, वो कहीं ना कहीं ये साकार यहां पर नजर होती आ रही है। उसके अलावा जो आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्किल के साथ साथ जो वर्कर्स का प्लेटफॉर्म है उसमें सोशल सिक्योरिटी कैसे मिले, उन सारे बिंदुओं पर आज यहां पर चर्चा होगी। तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जो भारत की अध्यक्षता है निश्चित रूप से पूरे जो
85% ऑफ यू कह सकते हैं जो जीडीपी है, जिसमें वर्कर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको दिशा देने में ये एक बड़ा कदम होगा।